पापा भारत के लिए खेलना चाहते थे। शानदार डेब्यू के बाद सरफराज खान का बड़ा खुलासा सामने आया है। सरफराज खान ने 6 साल की उम्र से ही अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत की थी। शुरू से ही वह अपने पिता के सामने एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का सपना देखते थे। 2 दशक बाद मुंबई के इस बल्लेबाज का यह सपना गुरुवार को सच हो गया, जब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पहले पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने उन्हें टेस्ट कैंप सौंपी और मैदान पर मौजूद उनके पिता नौशाद रोते हुए अपने बेटे को टेस्ट कैंप मिलता हुए देख रहे थे। सरफराज ने अर्धशतक के साथ अपनी योग्यता भी साबित की। हालांकि वह शतकवीर रविंद्र जडेजा के साथ मिक्सअप के बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो गए, नहीं तो वह एक बड़ी पारी भी खेल सकते थे। हालांकि 26 वर्षीय सरफराज को किसी से कोई शिकायत नहीं है। सरफराज ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद मीडिया से कहा, पहली बार मैदान पर आकर और उनके पिता के सामने कैप लिया। मैं 6 साल का था जब उन्होंने मेरी क्रिकेट ट्रेनिंग जो है वो शुरू की थी और उनके सामने भारतीय टीम के लिए खेलना मेरा सपना था जो कि पूरा हो गया। तो सरफराज खान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?